हेलो नमस्कार। आज मैं पास्ता बना रही हूँ तो वो बताती हूँ आप लोगों को पास्ता कैसे बनाते जी। मेरे पास्ता है 250 ग्राम, मैंने इसको उबाल पे रख रही हूँ तो मेरे जो उबल जाएंगे फिर मैं बनाऊंगी। मैंने गैस जला ली है, मैंने बड़ा सा बर्तन रख लिया है भगोनी। अब भगोनी में मैं पानी डालूंगी, एक जग पानी डालूंगी मैं, 1 लीटर पानी है मेरा। अपन को इतना डालना है कि अपने पास्ता अच्छे उबल जाने चाहिए। जो मैंने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए, अब जब खोल आ जाएगी तब पास्ता डालूंगी मैं, तो ना पास्ता नहीं डालूंगी। अब मैं इसको ढाँक के रख देती हूँ। मेरा पानी खोल गया है, अब मैं इसमें पास्ता डाल रही हूँ। जो मेरे पास्ते हैं अब मैं इसमें डाल देती हूँ, अच्छा खोल जाएंगे मेरे। अब इसमें मैं स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डालती हूँ और इसमें अपन को डालना है 1 चम्मच घी। अपन को इसमें घी डाल देने तो अपने खिले खिले पास्ते होंगे, चिपकेंगे नहीं। इसको हिला देते हैं और अपने इसको खोल जाएंगे। अब मैं इसको ढाँक देती हूँ और देखती रहूँगी इसको। जब मेरे उबल गए होंगे आप देख सकते हैं, आप ऐसे उबालना है इनको। ज़्यादा उबल जाएंगे तो अपने गीले हो जाएंगे जी, देखो बिल्कुल उबल गए हैं जी। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ चल्ली में जी। मैंने चल्ली में पसा दे हैं मेरे, देखो हो गए हैं ये पास्ते, आप देख सकते हैं। अब जी अपने चिपकेंगे ना, इसके वजह से मैं थोड़ा सा इसमें ठंडा पानी डाल देती हूँ। ठंडा पानी डाल देंगे तो अपने जी खिले खिले से रहेंगे और चिपकेंगे भी नहीं। मैं अब कढ़ाई रखूँगी, 1 चम्मच तेल डाल दिया मैंने जी। मेरे तेल गरम हो गया है, मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ और कटी हुई पतरे पतरे लहसुन है 4-5 कली, तो वे भी डाल रही हूँ। पतरे पतरे मैंने प्याज काटा है 1 बड़ा, तो इसको डाल दी लेते हैं। अच्छा ब्राउन हो जाएंगे, मेरी प्याज ब्राउन हो गई है आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ और मैं इसमें इसको टमाटर को अच्छे से भूनूंगी, अच्छा भून जाएगा अपना इसमें तो अपना जो अच्छा गल जाएगा टमाटर। अब मैं इसमें डाल देती हूँ मसाले। पहले लेती हूँ हल्दी पाउडर, लेती हूँ मैं लाल मिर्च, धनिया पाउडर। स्वाद अनुसार अपन को नमक लेना है कि नमक अपन ने पहले डाल दिया था उसमें, तो उसको ध्यान रखना है। मैंने उबले में पहले नमक डाल दिया था उसमें, तो इसमें मैंने कम डाला है, तो आपको ध्यान देना है इसमें ज़्यादा नहीं डालना चाहिए नमक अपन को। मेरे टमाटर अच्छे गल गए हैं, अच्छे मिक्स हो गए। अब मैं इसमें डाल देती हूँ मटर, मटर दाने, और डाल देती हूँ मैं शिमला मिर्च। पत्ती पत्ती मैंने शिमला मिर्च काट ली थी 1। अब मैं इसको थोड़ी सी हल्की सी पकाना है, अब उसको ज़्यादा भी नहीं पकाना है शिमला मिर्च को। टमाटर अपना पक गया है, देखो मेरा कितना अच्छा पक गया है मसाला, हरा हरा दिख गया है बढ़िया मस्त। ये मेरा पास्ता मसाला है, मैं पास्ता मसाला डाल रही हूँ इसमें।
और आपके पास नहीं हो तो मैगी मसाला भी डाल सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है पास्ता मसाले से। अब मैं इसमें पास्ता डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरा पास्ता बनके रेडी हो गया है। अब मैं धनिया पत्ती डाल देती हूँ इसमें। अब मैं धनिया पत्ती डाल देती हूँ इसमें। मैं बन गया है मेरे पास्ता, आप देख सकते हैं। मैंने पास्ता बनाया है। मेरा पास्ता आपको कैसा लगा मुझे बताएं, कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना। धन्यवाद।